हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, डोरला डेयरी। डोरला डेयरी की बात करें तो देखिए, आज के दिन में लगभग 3% के आसपास भागता हुआ दिखाई दिया। आज के दिन कल रात को ही मैंने AMO ऑर्डर लगी इसमें लगा दिया था, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो उसमें मुझे क्यों लगाया था, उसके पीछे का एक रीजन है। ओके, अच्छे खासे इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई देते, रात को इसके रिजल्ट पड़ रहा था तो अच्छी मुझे लगे, तो मुझे लगा था कि आज के दिन भागेगा। तो आज के दिन अच्छे खासे इसने रिटर्न भी दिया। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिए, ओके, सीखिए किस तरीके से आप सीख के अच्छा खासा पैसा ऐसे भी कमा सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी कमा सकते हैं। तो क्या पीछे रीजन था उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर देयर वीडियो में बातें करें, आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल, जो आपका खुद का चैनल है इन्वेस्ट फॉरएवर, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे। बाय सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, प्लेन लिस्ट को गो थ्रू करना है, और हमारी पर्टिकुलर सर्विस चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ताकि इस तरीके की चीजें तुरंत आपको रात में SMS कर दी जाए, बता दी जाए, जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को करता भी हूँ। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारी एक जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट 1000 करोड़ रुपीज का है, कि इतना पैसा एटलीस्ट हमारे पोर्टफोलियो, हमारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए, हमारे शेयर्स में होना चाहिए। तो आज के दिन दो वीडियो यहाँ पर आपको बना के दिए, जाके यहाँ पर देखिए, सीखिए, सीख के आपको चीजें समझ में आएगी, तो आपको कंपेयर करना होगा, कंपेयर करके चीजें समझ में आती है। तो आगे बढ़ते हैं समस्या डोरला डेयरी। यहाँ पर मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, क्यों यहाँ पर बाइंग की जा रही है। आज के दिन में अच्छा खासा गिर गया था, फिर भी यहाँ पर बाइंग की जा रही है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। डोरला डेयरी की अगर हम बात करें, तो जैसे कि डेयरी, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर मिल्क से रिलेटेड काम की जाती है। यहाँ पर देखिए, डोरला डेयरी टोन मिल्क से रिलेटेड इनका प्रोडक्ट्स की बात करें, मिल्क में एक कर्ड में घी, बटर, पनीर, अगर बात करें स्टरलाइज फ्लेवर्ड मिल्क, बटर मिल्क, एज वेल एज आइसक्रीम, मिल्क बेस्ड स्वीट्स, यहाँ पर ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स इनके बनाए जाते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे ये प्रोडक्ट, आइसक्रीम वगैरह, कर्ड, ये सब चीज में कंपनी काम करती हुई थी, मतलब दूध से रिलेटेड जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ये कंपनी यहाँ पर बनाती हुई हमें दिखाई देती है। अगर इसके अलावा हम बात करें, तो कंपनी हैदराबाद और सिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट इन इंडिया, तो यहाँ पर ज्यादा कंपनी काम करती हुई नजर आती है। द कंपनी वाज, मतलब साउथ इंडिया में यहाँ पर डोमिनेशन ज्यादा है। कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1995 में, यहाँ पर इनकॉर्पोरेट होती हुई दिखाई दी थी। और यहाँ पर देखे तो आर प्रोसीजर इज सेंट्रलाइज इन 5 states में, एंड आर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ए फोर पर जो, मतलब 11 states में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचती हुई नजर आती है। और वी हैव 94 मिल्क चिलिंग सेंटर्स, मतलब मिल्क को चिलिंग करने का यहाँ पर जो इनके है सेंटर्स, वो इनके पास कितने हैं, 94 टू सप्लाई गुड्स एंड सेफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंटली थ्रू कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ आर सिस्टम एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर अगर बात करें, इनके ये प्रोडक्ट्स हैं, ओके, हमने कभी टेस्ट नहीं करे क्योंकि यहाँ पर नहीं मिलते हुए नजर आते। बट अगर बात करें डोरला घी, यहाँ पर साउथ में यहाँ पर डोमिनेशन इसका ज्यादा है, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आएगी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, एज वेल एज यहाँ पर युगांडा, सिंगापुर, केन्या में भी काम करती हुई नजर आती है। तो ये काफी बेहतरीन बात है, डेयरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर सिंगापुर में भी कंपनी काम करती हुई नजर आती है। जाके एक बार इनकी वेबसाइट को चेक करिए, एक एक करके इनके प्रोडक्ट्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जाइए प्रोडक्ट्स को यहाँ पर चेक करिए, इनके मिल्क की कैपेसिटी क्या है, किस तरीके से मिल्क, किस किस तरीके का यहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ कहाँ ये पे पैकेजिंग करते हुए नजर आते हैं, सब चीज, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे मिलती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर हम ज्यादा देर नहीं करते और समझते हैं चीजों को। तो देखिए, ये डेयरी लिमिटेड इज इंटीग्रेटेड डेयरी डेयरी कंपनी बेस्ड इन तेलंगाना। द कंपनी डिराइव्स द मेजोरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ मिल्क एंड डेयरी बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इन द ब्रांडेड कंज्यूमर मार्केट। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है। सबसे मेन पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट कैप, स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप में हमेशा वॉलिटिलिटी इस तरीके से रहेगी, भागेगा तेज, गिरेगा भी तेज। इसके अलावा बात करें, 668 रुपए पे इसका हाई है, जिस यहाँ से ये गिरता हुआ नजर आया था। इसके अलावा ROC ROE काफी बेहतरीन है, 28-21% की। PE की बात करें 36, डेट की बात करें कोई डेट नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स की बात करें, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न का मतलब है, अभी IPO आता हुआ दिखाई दिया था जुलाई में, जुलाई से लेकर सेप्टेम्बर लगभग 2 से 3 महीने यहाँ पर हो चुके हैं, सॉरी अक्टूबर 3 महीने हो चुके हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी, और एक ही रेंज में कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर चीजें काफी अच्छी, यहाँ पर अट्रैक्टिव लग भी रही थी। बट अगर बात करें इसके पीयर से, अगर कंपैरिजन करें,
तो यहाँ पर इसका पीए रीजन बात करें तो एक है कंपनी, उससे रिलेटेड बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सेल्स की। यहाँ पर फाइनेंस, अगर हम बात करें फाइनेंशियल इसके देखें, तो यहाँ पर देखिए सेल्स यहाँ पर स्टैंड अलोन नंबर है 491 426। यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडमिक यहाँ पर गिरती हुई दिखाई दी, बट जैसे ही लॉकडाउन वगैरह सब ओपन होता हुआ दिखाई दिया, चीजें दोबारा भागी, बट यहाँ पर लॉकडाउन फिर गिरती हुई दिखाई दी, और अभी लॉकडाउन जब ओपन ओपन हो गया तो यहाँ पर चीजें सब दोबारा बेहतरीन बढ़ती हुई नजर आई, और यहाँ पर देखे तो सेल्स बढ़ती हुई नजर आई। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जहाँ -6 करोड़ रुपए था, अभी 32 करोड़, हाईएस्ट एवर सेल्स में, प्रॉफिट में हाईएस्ट एवर तो नहीं कहेंगे, दिसंबर में हाईएस्ट एवर था, बट अगर बात करें हाईएस्ट एवर यहाँ पर कंपनी ने आफ्टर पैंडमिक यहाँ पर अपने आप को लाना शुरू कर दिया है। तो कंपनी के अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, कंसोलिडेट नंबर भी एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं हाईएस्ट एवर ही नंबर है। कंपेयर देन सेल्स यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस यहाँ पर बात करें तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है, बट ओके, चीजें धीरे धीरे यहाँ पर चलती हुई नजर आती है। कभी ज्यादा चीजें बिकती है, कभी कम बिकती है, क्योंकि आइसक्रीम यहाँ पर सर्दी में ज्यादा यूज नहीं करते, तो इनके प्रोडक्ट्स भी कभी कभी सीजनल हो जाते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स की, यहाँ पर स्टैंड अलोन नंबर ईयरली बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 1182 करोड़, फिर यहाँ पर 1410, फिर 1500, फिर इसके 1600, फिर 1900, फिर यहाँ पर पैंडमिक की वजह से गिरावट, और अभी भी बात करें तो कंपनी हाईएस्ट एवर पिछले 12 महीने में यहाँ पर सेल्स करती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली यहाँ पर अगर बात करें तो कंपनी नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा यहाँ पर इजाफा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, एज वेल एज यहाँ पर सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। 5-6 साल का यहाँ पर परफॉर्मेंस है, तो क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतरीन होना तो ये चीज हमें बता देती है कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। और हमारा टारगेट थोड़ा सा ही रहता है, ज्यादा हम टारगेट के पीछे भागते नहीं है, क्योंकि चीजें ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है, जब नीचे आएगी तब दोबारा खरीद लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि चीजें ऊपर ही ऊपर भागती रहेगी, नीचे भी आएगी, तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखिए, क्योंकि शेयर बाजार इज लाइक अ शॉप, आप शॉप में है, आप शॉप के मालिक है, तो यहाँ पर चीजें आप लाते भी रहेंगे, खरीदते भी रहेंगे, बेचते भी रहेंगे, बेचेंगे खरीदेंगे, बेचेंगे खरीदेंगे, तभी जाकर पैसा बनेगा। रिजर्व्स की बात करें तो अगर आप शॉप में कोई चीजें रखे रहेंगे, अगर आपने मार्केट आपने आपको शैम्पू लेके आया हेड एंड शोल्डर का, और हेड एंड शोल्डर का शैम्पू रखा रहने दिया, और कहे कि इसके एक के दो हो जाएंगे, वो एक के दो नहीं होने वाले, ओके, बट शेयर्स यहाँ पर हो जाते हैं, अच्छी चीजें हैं आपके पास, बट अगर बात करें यहाँ पर चीजों को आपको समझना होगा, तो यहाँ पर बेचना खरीदना हमेशा चालू रखिए। ऐसी बात नहीं है कि आपने रख लिया 10 साल बाद ही बेचेंगे, तो 10 साल बाद शायद उनकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, तो ये चीज समझने की बात है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हाइएस्ट एवर 647 करोड़ के रिजर्व, जहाँ 2020 में 160 करोड़ के यहाँ पर बोरिंग थी, वो लगभग आधी होती हुई दिखाई दी, और अभी की बात करें 6 महीने के अंदर अंदर 13 करोड़ ही बोरिंग रह गई है। तो कंपनी अपने आप को डेट फ्री बना रही है, वर्किंग प्रोग्रेस में 7 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट 204 करोड़ का है, कैश की बात करें कैश यहाँ पर 83 करोड़ रुपए का कैश है, तो ये चीजें समझने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है, कभी भी नेगेटिव नहीं रहा, इस बार का 217 करोड़, और यहाँ पर आरओसी आरओई की बात करें तो कंपनी का आरओसी हमेशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 19 से 18, 18 17 11, और अभी की बात करें 28% की आरओसी, जो यही चीजें अच्छी बनाती है किसी भी कंपनी को। इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 62 से 62.54 ही है, जो कि एज इट इज है, बट बात करें एफआईज की होल्डिंग तो FIs ने 4.52 से 6.98 कर लिया, तो इसमें यहाँ पर इस क्वार्टर में FIs ने चीजें खरीदी है, चीजें समझने की कोशिश करी है, यहाँ पर चीजें खरीदती हुई दिखाई दी है FIs। यहाँ पर बात करें DIS, और उन्होंने कोई ऐसा नहीं खरीदा होगा कि उन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर ही खरीदा होगा जब से IPO आया है, और उसी प्राइस के आसपास ये चीजें चल रही है। यहाँ DIS की बात करें, DIS ने भी यहाँ पर अगर बात करें थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और पब्लिक से हिस्सेदारी गई है, अब आई थिंक पब्लिक से भी नहीं गई, यहाँ पर अगर बात करें हाँ पब्लिक से यहाँ पर चीजें जाती हुई दिखाई दी है, तो पब्लिक से जब चीजें जाती हुई दिखाई देना तो समझ लीजिएगा शेयर प्राइस भागने वाला है। यहाँ पर बात करें 15.67 से यहाँ पर 1.14 घटा देंगे, तो लगभग 14% के आसपास की हिस्सेदारी, 14.5% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास आज भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए हाईएस्ट एवर रिजल्ट, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस, एज वेल एज यहाँ पर कंपनी जब से आईपीओ आया है इसका एक ही कंसिस्टेंट लेवल पर यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, उसी लेवल पर अच्छे खासे परफॉर्मेंस, FISDIS का यहाँ पर अपने शेयर्स को बढ़ाना और पब्लिक का यहाँ पर घटना, ये सारी पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं चार्ट से रिलेटेड, चार्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी यहीं पर यही भागी, फिर इसके बाद गिरती हुई नजर आई, फिर यहाँ पर एक अच्छे खासा जंप, फिर यहाँ पर एक गिरावट, और यहाँ पर अगर बात करें कंपनी यहाँ पर ट्रेड करती हुई नजर आई थी, और उसके बाद चीजें देखे तो आज की डेट में लगभग 2-2.5-3% भागती हुई नजर आई है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा, चार्ट पैटर्न अच्छा खासा चार्ट पैटर्न में इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में, बट मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा, मेरे हिसाब से ये शेयर आपको
बहुत जल्दी डबल होता हुआ दिखाई दे सकता है, आपके पैसे फिर डबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। चीजें बस समझने की जरूरत है, और जिस तरीके का मार्केट चल रहा है तो यहाँ पर डबल होना कोई बड़ी बात नहीं होती, तो यहाँ से ये चीजें ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न टाइप में ये थोड़ा सा बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसके हिसाब से हम टारगेट देखें तो टारगेट कितने नजर आते हैं, तो इसके हिसाब से टारगेट नजर आते हैं हमारे ये, यहाँ से ये पिक किया, पिक करके हमने इसे यहाँ पर उठाया। हाँ सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ये बड़ा पड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर से देखते हैं तो इसके टारगेट कितने नजर आते हैं, इसके टारगेट नजर आते हैं 808 रुपए के। और 808 रुपए के टारगेट का मतलब है लगभग लगभग 200 रुपए का जंप, और 200 रुपए का जंप का मतलब है यहाँ पर 32% के टारगेट पर। 32% पर ये चीजें रुकेगी नहीं, अब यहाँ से जब भागेगी पोलैंड फ्लैग बनाते हुए शायद ये भागे, और यहाँ पर पोलैंड फ्लैग बनाते हुए चीजें भागेगी तो 1000 रुपए 1200 रुपए पे जाके रुकेगी। एट दैट टाइम यू विल थिंक टू एग्जिट, ओके तब तक अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। और क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं ऐड भी कर सकते हैं। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, चीजें समझनी है, चीजें समझ के लेनी है, ले और स्टडी करनी है। सबसे मेन बात है स्टडी करनी है, इसलिए कहता हूँ अपने ऑलवेज क्या करें, जब भी रिजल्ट आए स्क्रीनशॉट खींच के रखिए, और जब आपको टाइम मिले उसके रिजल्ट देखिए, रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे हैं। और यहाँ पर दिख रहा है जब FIs बढ़ा रहे हैं DIs बढ़ा रहे हैं तो हम भी यहाँ पर कूद सकते हैं, ओके। और गिरेगा तो कितना गिरेगा, तो मार्केट है इसमें थोड़ी बहुत गिरावट भी होती है, और गिर जाएगा कोई परेशानी नहीं है, बट रिटर्न मिलेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न भी मिलते हुए नजर आएंगे। चीजें समझने की कोशिश करिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारी पर्सनल सर्विस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत छोटे अमाउंट पे ही हम यहाँ पर काम करना पसंद करते हैं, ओके ज्यादा पैसे यहाँ पर चार्ज नहीं करते, बट फिर भी आप यहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वरना यहाँ पर इन वीडियो से जाके सीख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिए, हमें जितना हो सके सपोर्ट करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।